पूरे देश में बहुत आनंद के साथ मनता है। तो गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, इनको जोड़ करके हमारे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के समाज से जुड़े हुए कामों को हाथ में लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमको सबको जानकारी है, जल ही जीवन है, और ऐसे में जल संरचनाओं में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, छोटे छोटे बांध, चेक डैम, स्टॉप डैम, इन सारी रचनाओं पे काम करने के लिए हमारी सरकार ने 5 जून से लगा करके सीधे 16 जून तक लगातार 15 दिन का एक बड़ा अभियान लिया है। और इस 15 दिन के बड़े अभियान में जो 4 जून का हमारा रिजल्ट आया, और हमने कहा कि हम अपने सरकार का एक दिन भी जाया नहीं होने देंगे, प्रत्येक दिन सरकार का हमारा अपना कदम जनता की बेहतरी के लिए, समाज सेवा के लिए। राजनीति में आने का मतलब केवल राजनीति में सरकार चलाना नहीं, सरकार के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ने की जरूरत है। और सामाजिक सरोकार में जन अभियान के माध्यम से हमारे विपक्षी लोग पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई प्रकार की संस्कृति आई। और नई प्रकार की संस्कृति उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, उनका तो खुद का कहना है कि केवल वोट की बात 5 साल में एक बार कर लेंगे, लेकिन सामाजिक सरोकार के काम 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलना चाहिए। इसलिए वो उनके जीवन में भी उस चीज को लागू करते हैं। पहली बार मन की बात करते हुए उन्होंने लगातार 10 साल तक हर महीने एक बार ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों को उठा करके समाज के बीच में उन विषयों को जिंदा किया, जिनके माध्यम से हजारों साल से अपनी भारत की विशेषताएं थी। हमारे यहाँ जल रचनाओं को लेकर के भी माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत काम किया उनने। मैं आज के अवसर पर हमारी इसी गढ़ा के अंदर की जल मंदिर की रचना के लिए जोरदार ताली बजाओ, कितना अच्छा लगता है वो जल रचना देख करके। जनवरी के दिन करवट बदली, एक बावड़ी बहुत अच्छा जल मंदिर में परिवर्तित हो गई। और ये संग्राम था रानी दुर्गावती के ससुर जी के नाम पे बनाया हुआ तालाब, रानी ने भी कितना अच्छा काम किया। स्मरण करने के लिए संग्राम सा तालाब, आधार सा तालाब, हर एक अपने रिश्ते से जुड़े हुए। और इन सारी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जल के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। और ऐसे में काल के प्रवाह में गंदगी के कारण से ये बावड़ी, कुएं, तालाब जो दम तोड़ रहे थे, एक बार सभी जिला प्रशासन और सरकार के लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने अपने बलबूते पर इनका अपना पर्याप्त ध्यान दिया। और अभी ये अनवरत चलने वाली सिलसिले है, इसको रोकने वाले नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर, चूंकि अभी अभी जानकारी आई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के मित्रों के साथ उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में 69 मंत्री में से 6 मंत्री आए। अभी हमको 5 पे ही ध्यान जाता है कि 5 मंत्री हमारे बीच है, लेकिन राज्यसभा के बाकी हमारे मित्र जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से मिली हुई है उनको, तो एल मुरुगन भी मंत्री बने, राज्य मंत्री। इस नाते से हमारे अपने पास 6 हमारे मंत्री हैं। मैं सारे मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जबलपुर के सारे नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आम तौर पर यह आयोजन अपने समय से लगभग 2 घंटे देरी से चल रहा है, लेकिन रात के समय में भी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और श्रमदान से लगा करके समय के समर्पण तक आप सबका प्रेम जिस प्रकार से सामने है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के मामले को लेकर के सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जबलपुर के अंदर भी जिस प्रकार की बड़ी संभावना है,
रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत बड़े कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर के अंदर रोजगार की जरा ताली वाली तो बजाओ, मजे नहीं आ रहा है, आपकी तालियां बताएगी तो हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। इस नाते से और भी अनेक बार मिलने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 5.5